बेटे के जन्मदिन पर भावुक पर हुई माधुरी दीक्षित, लिखा बेहद ही प्यारा मैसेज। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित इन दिनों खूब छाई हुई है। लाखों दिलों पर राज करने वाली माधुरी इन दिनों कमबैक कर चुकी हैं और अपनी फिल्मों से धमाल मचा रही है। हाल ही में अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल से अपना शानदार कमबैक किया है, जिसमें उन्हें बेहद पसंद किया गया है। इसके अलावा वो जल्द ही फिल्म कलंक में भी दिखने वाली है। वहीं हाल ही में माधुरी ने अपने बेटे रायन का बर्थडे मनाया है। बेटे के बर्थडे पर माधुरी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। इस बर्थडे पर बेटे के लिए उन्होंने खास मैसेज लिखा। माधुरी ने अपने बेटों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, इस तरह से अब तुम्हारे साथ मैं और नहीं खेल सकती। विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी जल्दी बड़े हो गए। 14वें जन्मदिन की बधाई रायन। पिक्चर में माधुरी खड़ी नजर आ रही है, तो वहीं उनके दोनों बच्चे उनके हाथों पर लटक रहे हैं। ऐसे में साफ है कि वो बेटों से कितना प्यार करते हैं। बता दें कि 1999 में माधुरी की अमेरिका के NRI श्रीराम नेने से शादी हुई थी। माधुरी डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। माधुरी को जिस प्यार की तलाश थी वो डॉक्टर श्रीराम नेने पर जाकर खत्म हुई। यही वो प्यार है जिसके लिए माधुरी ने बॉलीवुड में नंबर 1 की पोजीशन को अलविदा कह दिया था। दिल का इलाज करने वाले डॉक्टर श्रीराम नेने ने माधुरी का दिल जीत लिया था और श्रीराम नेने की खातिर माधुरी सब कुछ छोड़ अमेरिका चली गई। अमेरिका से माधुरी सालों बाद फिल्म आजा नचले के जरिए वापस आई, लेकिन फिल्म कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद वो फिर अमेरिका चली गई। इसके बाद वो फिर से साल 2012 में वापस आई और तब से यही है। अब वो फिर से कमबैक कर चुकी है। हाल ही में कलंक से उनका लुक सामने आया है। उनके किरदार का नाम बहार बेगम है। फिल्म में माधुरी के फैंस इस फिल्म में उनका मुजरा डांस देख सकेंगे।